पर्चा दे दे, पर्चा करके अंदर ले जा। तब से आप डंडा देके कोई एमपी एमएलए कौन है भैया रोकने वाला? मैं दिल्ली पुलिस से लड़, हम रोज दिल्ली एंट्रेंस से सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं होर पंजाब दे विधायकां दे नाल रोकिया जा रहा है। हुकूमतां दिल्ली विधायकां नूं जान नहीं दे रही, किसानां दे हक च कुछ कोई रिटर्न ऑर्डर आएगा इन्हें रोकन, रिटर्न ऑर्डर आएगा कोई रोकन फाड़े फड़ फड़ के कितना पिछड़ो टायर दिल्ली की बॉर्डर से दिल्ली च अंदर नहीं वड़न दिता जा रहा है। दिल्ली पुलिस वालों गड्डियां मूहरे ला के नवजोत सिंह सिद्धू नूं समेत पंजाब के विधायकों नाल रोकिया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर से वड़न दे रहा गड्डिया चकाने परचा परचा दूंगा आप पर्चा दे दो, हमें रोक नहीं सकते। अभी तो ये कोर्ट में बात कर रहे हैं, तो पांच बात करा दे। फटू ला रहे हैं। क्या बात है? ऐसा है। अंदर ले जाओ। पेन एक ही निकलेगी।
गाड़ी लाओ अपनी, हम आपकी गाड़ी में। कोई बात नहीं, आप डिटेल यही डिटेल। आप नहीं, ऐसे नहीं है मेरे साथ। शो मी ऑर्डर साहब, मैं राजा भी अपन यार तोर के थोड़ी अपन ना कर सकते। नहीं तोर के थोड़ी कर देने अपन थोड़ी जल्दी। बात करो इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं गाड़ियाँ लगा रखे आपको धक्का उठा के फेंक दी। लेकिन आप नेशनल हाईवे रोक सकते हैं। एमएलए को किस खुशी में रोक रहे हो? रोका क्यों रोका? रेप की बात हो रही है, क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? फिर जेल लेके जाओ। तरीका होता है रोक रहे हो? हाथ जोड़ के गुजारिश है, दिखाई ना मेरे आ रही है। क्या मजाक बना रखा है? आम बंदे को जाने दे रहे हो, 2 लाख बंदे को रोक रहे हो? आप निकलेंगे 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर बात आ गया। लाइव जा रहा है पंजाब दे लोको अत खुदा दा वैर कि सरकार इन्नी घबराउंदी है कि 2-2 लाख बंदियां दा इह सड़क ते आम बंदे नूं जान दे रहे हैं। इन्हां नूं कादा डर है? की लुकाउणा है? इह लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बनाई जांदे है, खूना तंत्र बनाई जांदे है। मतलब एक एक नुमाइंदा धमान साहब खड़े है, राजे वड़िंग नूं धक्के मारे है, इन्ना कहदा खौफ है सरकार नूं? हैं ते रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी कहते हैं। थोनू ये लगता भी ये इकनोमिक ब्लॉकेट ला के पंजाब दे लोकां नूं इस तरह जुल्म दा शिकार बना के तुसीं पंजाब नूं रोक लोगे? अभी तो अहमद शाह अब्दाली तो नहीं दबे, उदों कहिंदे हुंदे सी खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाह दा, ते ये कित्थों दब लैणगे? ना इहनां कोल कोई रिटन ऑर्डर है, ना इहनां कोल कोई तस्दीक है, ना सानूं ये अरैसट कर रहे हैं, इत्थे खड़ा लिया। लानत है मैं कहना यह जी सरकार को, इट इज़ अ डिक्टेटोरियल कमांड फ्रॉम द सेंटर कि जी पंजाब के एम एल ए अगे दिल्ली ना पहुँचन दिता जाए। वो असं की कर रहे हैं? कोई वायलेंस कर रहे हैं? है की कर रहे हैं? कितने आदमी पीछे कितने हो रहे हैं? कोई और खाली है, ये 4 MLA हैं, बाकी वही हैं। चलो ठीक है, मैं आपको पायलट करके लेके चलो। चलिए सर, आप गाड़ियों में चलो 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 चलो। आखिर दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा, अब दिल्ली पुलिस अब इनको साथ एस्कॉर्ट करके चल भाई, चल राजा भाई। उधर पास कोई बड़ी जगह पर आओ।
ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਫੇਮ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ अज 7 एमएलए अगर नाम लैके मान लो दो जलंधर बेदी साहब ने माइक भाई बेदी साहब हेनरी हेनरी धक्के मारे राजे नु किसान का पवित्र संघर्ष चल रहा है झंडे ते डंडे का संघर्ष
ईमानदारी कर रहे हैं नॉन वायलेंट संघर्ष। हमें ये दो दो लख दे सात नुमाइंद दो लख बंदे उन्होंने सात नुमाइंद उत्थे बॉर्डर के उत्ते बिना किसी कारण नजायज रोकना फिर धक्के मारने एक किसान दे उस पवित्र संघर्ष का निरादर है और अपमान है। लेकिन लोगों की ताकत वेखो असी उतों लाइव किया जदों ते ओही बंदे जड़े उत्थे इलीगली डिटेन कर रहे सी बिना किसी कागज के ओही बंदे एस्कॉर्ट करके प्यो बना के छड़ के गए ने। ये ताकत है पंजाब दे किसान दी, पंजाब दे किसान दे पवित्र संघर्ष दी और लोकतंत्र दी। ये लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र नहीं बना सकते तुसीं, ये हर चीज़ डिक्टेटोरियल नहीं कर सकते तुसीं। लोगों दी सरकारां लोगों दे वास्ते होंदियां ने ते अज सरकारां दो पूंजीपतियां दे वास्ते अज पंजाब दे चुने नुमाइंदियां दी आवाज़ नूं कुचल रहे ने। ये कित्थों दा इंसाफ है भाई? इस करके धरना होएगा और मैं क्या जान की बाजी ला के भी होएगा, सारा पंजाब नाल खड़ा है। और ये ना समझना कि ये 70% किसान पंजाब दे वर्सेज एक दो अडानी अंबानी है ना, ये सारे पंजाब का संघर्ष है क्योंकि किसान साड़ी पछाण है, किसान साड़ी आन बान शान है। पवित्र संघर्ष नॉन वायलेंट संघर्ष बाहर की ताकत का नाम दे देना, मैं कह रहा ना कि एक किसानों का और पंजाब का अपमान कर रहे और ये तिनकियां वांग उड़ जाना। ये जी छोटी मोटी इल्जामबाजी है ना, ये तिनकियां तूफान जब झूम के उठेगा तिनकों से ना टाला जाएगा। उस सब इंस्पेक्टर ने कहा कि जी हमें मैं उन्होंने कहा भी भाई कागज दिखा, तू एक फॉर्मर चार बार दे एमपी धमान साहब भी नाल नहीं, हाँ देखो ये सत्त बंदे कि तुम रोक रहे हो कि कोई रिटन ऑर्डर है, कहना जी आ रहा है, मैं क्या दिखा। फिर उस तो बाद असी लाइव कर, मैं क्या लोगों को पता लगे कि ये की कर रहे ने, ये कैसी तानाशाह सरकार। और जो असी लाइव किया आ मुंडा खड़ा इसमें जो लाइव किया वो नाल दी नाल खबरी बन ये भाई ये जो संघर्ष है संघर्ष पंजाबियों का कहना है संघर्ष जिन्ना चूने की छत दे उत्ते तुसी वार करोगे उन्नी तगड़ी हो। मनू साडी दात्री असी मनू दे सोए ज्यों ज्यों मनू वढ़दा असी दून सवले होए। एक गल मेरी समझ लो कि विरोध सेंटर की सरकार नाल, और मैं पहला भी कह रहा कि किसान एकता और पंजाब एकता ये साडे संघर्ष की जान है, ये संघर्ष का चानण मनारा है। ये जे मुठ्ठी बंद रहूगी तो लख दी है, तो जे खुल जूगी तो कख दी है। मैं ना तो करतारपुर वाले मसले दे विच कदे किसी दी उंगल नहीं चक्की क्योंकि वो एक पवित्रता सीगी, वो 14 करोड़ लोगों के लिए सी। 3 करोड़ पंजाबी इत्थे ते 2 करोड़ बाहर, 5 करोड़ वो ते बाकी जड़े उन्हां दे नाल एम्पथी रखते, सिंपथी नहीं असीं चाहुंदे, एम्पथी जड़े साडे नाल दिलों दे नाल दिल जुड़े हुए है ये उन्हां दे लई है। इस करके मैनू नहीं लगता कि इह जे संघर्ष दे टाइम दे उत्ते तुसीं चीफ मिनिस्टर दे उंगलां चुकों या किचड़बाजी करूँ। मैनू लगता है कि सारियां नूं कट्ठे हो के संगठित होई शक्ति जित दा कारण बनदी है, उही शक्ति विभाजित हो जाए तो फिर पतन का कारण। सिद्धू साहब बीजेपी कह रही है आजादी दी 70 साल पहली बार असी किसान नूं। मेरी एक गल सुनो कि मैं जदों ये कह रहा कि संगठित होई शक्ति जित दा कारण बनदी है तो मैं किसी के ताने कसन नहीं आया, मैं किसान के पक्ष के खड़ना आ, तो किसान उदों जीतू
मैं समझ लेना कि किसान उदो जितू जो सारे कट्ठे होकर लड़ांगे तो मैं इस गल डट के फिर कह रहा कि यह 70% 60% किसानों का संघर्ष नहीं सारे पंजाब का संघर्ष साड़ी पछाण का बाबे नानक दी दित्ती साड़ी पछाण का संघर्ष नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे और पहचान खो दोगे सिद्धू तो बिखर जाओ सिद्धू साहब सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब का